वेलकम बैक टू ऑल द व्यूअर्स। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, सो इन दिस पार्ट वी विल फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 एंड द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ दैट पॉलिसी। सो वॉट वॉज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सो दैट वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ग्रोथ फ्रॉम 1950 टू 1990 1991 के बाद, क्योंकि हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन गया था, इसलिए हम 1950 से 1990 तक का ही यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये है कि हमारे चैप्टर का नाम ही था स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे इसमें, तो ये हमारा उसका जो है आखिरी पार्ट है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या फीचर्स रहे हैं हमारे, प्रिंसिपल फीचर्स क्या क्या रहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ड्यूरिंग 1950 टू 1990 के दरमियान, जो चीज़ें थी उसमें क्या क्या हमारे फीचर्स रहे। जिसमें सबसे पहला फीचर जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट वाज द पब्लिक इंटरप्राइजेस जो थे वो सेंटर रोल में थे। यानी कि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेस जो थे, इंटरप्राइजेस वर इन सेंटर रोल, यानी मेन रोल जो था आपका वो हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। दूसरी बात जो है इसमें कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हमारे पास थे वो सेकेंडरी रोल प्ले करते थे, यानी जो आपका प्राइवेट है, PVT लिख दिया मैंने, प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो थे वो केवल सेकेंडरी जो रोल था सेकेंडरी रोल प्ले करते थे। सेकेंडरी रोल का मतलब हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं छूट नहीं मिलता था, बल्कि दे हैव टू परमिट लाइसेंस राज के अंदर में चलते थे वो, तो उनको परमिट वगैरह लेना पड़ता था, लाइसेंसिंग वगैरह था, तो तमाम चीज़ें उनको ऑप्टेन वो करना पड़ता था। यानी लाइसेंसिंग के थ्रू इनको जो है बांध के रखा जाता था एक तरीके से, कि ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये ना हो पाए। तो ये गुड्स वगैरह भी जो प्रोड्यूस करते थे वो भी एक कैपेसिटी उनकी जो रहती थी, या फिर जो गुड्स का वॉल्यूम होता था वो सब डिटरमाइंड होता था, प्रिस्क्राइब्ड होता था, लिमिट्स कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा ये सब उसका प्राइवेट सेक्टर का ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड करके ही रखा जाता था। बिना प्रिस्क्राइब्ड किए इनको कोई भी चीज़ का वो नहीं था। थर्ड में हम कह सकते हैं कि हम लोग करते थे वहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी अच्छा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं जो गुड्स, उन गुड्स को इम्पोर्ट करने के बजाय उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगा उससे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं, उस सामान को बाहर से ना मंगा के हम अपने ही देश में उसको प्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे जो ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जो होगा वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा, और इससे जो होगा सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो था वो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। यानी हम लिख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन यानी जो हमारे पास डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उनको फॉरेन कंपटीशन से क्या किया, प्रोटेक्ट किया गया। जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, तो हम जो है इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, ताकि इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट करना कम कर देंगे, तो इंपोर्ट कम करना कर देंगे तो फॉरेन कॉम्पिटिशन जो अपने आप ही कम हो जाएगा। उसके बाद फिर इंपोर्ट कोटा वगैरह लगा देना कि कितना इंपोर्ट करना है, दैट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द गवर्नमेंट, इम्पोर्ट कोटाज वगैरह का इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारा कुछ किया गया ताकि कि इम्पोर्ट कम हो पाए और हमारे जो बेसिक इंडस्ट्रीज़, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, दे कैन फ्लरिश। उसके बाद एक कि आपका जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ था
उनका जो मेन काम था वो था कि वो फोकस करने के लिए, यानी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, दो टाइप के इंडस्ट्रीज़ होते हैं हमारे पास, एक लार्ज स्केल होता है एक स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो मेन काम था वो था आपका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस। यानी इनका मेन काम क्या था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार करते थे, बस इससे ज़्यादा इनको कोई काम और नहीं दिया गया था। बाकी जो मेन काम दिया गया था वो आपका स्मॉल स्केल करता था। स्मॉल स्केल का जो काम था वो था आपका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थे इनका काम था कि ये एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी ओरिएंटेड काम करेंगे। क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी ओरिएंटेड। इक्विटी इसलिए था कि भाई हर जगह ये इजीली सेटअप हो सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स इसमें एम्प्लॉयड होते थे, तो ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली भी हुआ करता था। तो ये मेन आपका जो फोकस है वो इसी पे है, दैट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थे आपके वो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो कर दिया आपको, कैपिटल गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो मेन काम दिया गया था कि ये क्या करेंगे, इसको इस बेस को जो है तैयार करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो था उसको काफ़ी अच्छा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक हुआ, जो कि हमारा जो है 6% एनुअल इंक्रीज़ इन द आउटपुट, यानी जो हमारा एनुअल इंक्रीज़ था आउटपुट में 6% आउटपुट हमारा इंक्रीज़ किया 1950 टू 1990 के दरमियान। उसके पहले परसेंटेज इसका हुआ करता था लेकिन काफ़ी कम था, लेकिन इस पीरियड में जो है काफ़ी अच्छा जो है इंक्रीमेंट हमारा हुआ। उसके बाद है कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जैसे पहले कोई डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि हम देखो पहले किसी एक ही प्रोडक्ट को जब बना रहे होते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि हम काफ़ी सारे अदर प्रोडक्ट्स अदर कैटेगरीज़ में भी हम हाथ डालें और उसको भी जो है बनाएं। तो डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में और उसको आगे बढ़ाने में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है काफ़ी पर्टिकुलर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुआ, काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया और उसको बनाने लगे। फिर आपका जो इम्पेक्ट हमने रखा वो हमने रखा कि तो ये इम्पैक्ट हमारा ज़्यादा रहता था कि हम जो है इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट वगैरह करने पे ध्यान देते थे। तो ये तो हमारा हो गया, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम देख लेते हैं इसका जो है फीचर्स के साथ साथ इसके क्या क्या गुड इफ़ेक्ट्स रहे हैं और कुछ बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मूविंग टूवर्ड्स द गुड इफ़ेक्ट्स, तो गुड इफ़ेक्ट्स हमारे जो स्ट्रैटेजी रखा है हमने 1950 टू 1990 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो स्ट्रैटेजी रखा था उनके गुड इफेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द बैड इफेक्ट्स। तो सबसे पहली बात जो है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें हमारा जो ग्रोथ हुआ लार्ज स्केल का, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, जैसे कि आपका वो है आपका लाइक भिलाई स्टील प्लांट है हमारा पास, हमारे पास उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता था, राउरकेला में इसका सेटअप है। उसके बाद फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट था इंडियन इकोनॉमी का वो काफ़ी हद तक बढ़ा। इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू अबव द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हमने अपनी एबिलिटीज़ को शो किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हुए। उसके बाद हमने देखा कि हमने लार्ज स्केल का तो ग्रोथ किया है, हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल भी हुआ। और स्मॉल स्केल का अगर ग्रोथ होगा, जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी ओरिएंटेड रहता है, तो एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी का भी उसके साथ साथ जो है इंक्रीमेंट हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो, क्योंकि स्मॉल स्केल का जो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो था कि भाई इसमें ग्रोथ तो था विथ सोशल जस्टिस, यानी यहाँ जो मेन फोकस था वो था आपका ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इस वजह से होगा क्योंकि हर जगह ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रहेगा और इजीली एंड एक्सेसिबली सेटअप्ड इन ऑल द एरियाज, जहाँ भी होता है वहाँ पे हो जाएगा। तो हर जगह जो है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो जाए, तो वो बुरा होता है क्योंकि फिर वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगा।
और ऐसे क्या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हर जगह में रहेंगे तो हर एक आदमी जो है अपने हिसाब से अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे अपना अर्न कर लेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपका डाइवर्सिफिकेशन वाला बात था, जैसा फ्यूचर में भी इसमें हमने डिस्कस किया था। तो डाइवर्सिफिकेशन में आपका जो इंडस्ट्रीज़ थी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया इंडस्ट्रीज़ में, तो जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थे, डोमेस्टिक हमारे पास मार्केट था, डोमेस्टिक मार्केट हमारा काफ़ी इंक्रीज़ किया, डोमेस्टिक मार्केट हमारा बेहद इंक्रीज़ कर किया इन सब डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। उसके बाद हमारे पास फिर हमारा ग्रोथ इन द इकोनॉमी हम बात कर सकते हैं, या इसको अदरवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हुआ इस वजह से, जैसे हमने फीचर्स में भी पढ़ा है कि 6% वाला जो ग्रोथ था, 6% हमारा ग्रोथ रहा है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ पैटर्न था इन द इकोनॉमी शोड परसेप्टेबल टिल टूवर्ड्स सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी हमारा उस समय जो पैटर्न हुआ करता था वो हमारा था सोशलिस्ट पैटर्न पे हम फॉलो करते थे। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब यही था जो हमने ऊपर में लिखा है यहाँ पे, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो करना ही था, ग्रोथ तो होना ही था, लेकिन ग्रोथ को साथ साथ हमको सोशल जस्टिस को फॉलो करते हुए ही ग्रोथ करना था। सोशल जस्टिस को निगलेक्ट करके या उसको सब्सिट्यूट करके जो हमको ग्रोथ नहीं वो करना था, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से एकदम डिग्रेडेड थी। तो हमको उसको अपग्रेड करने के लिए फिर इन चीज़ों को जो है फॉलो करना था। तो जो 5 ईयर प्लान्स थे आपके, उसमें आपका ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, ये सब जो है की पैरामीटर्स हुआ करते थे डेवलपमेंट के। जैसे कि आपके पास है ग्रोथ कितना हुआ हमारे पास, फिर एम्प्लॉयमेंट, ये सब की पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर आपका मॉडर्नाइजेशन कितना मॉडर्न हमने हुआ, मॉडर्नाइजेशन हो गया, फिर इक्विटी हो गया, इक्विटी एंड एंड सेल्फ रिलायंस, ये सब लॉन्ग पीरियड गोल्स भी हुआ करते थे। जब हम लोग गोल्स वाला चैप्टर पढ़ते थे, हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स भी हुआ करते थे प्लानिंग के। तो इन्हीं सबको बेसिस पे हम चेक करते थे कि हमारा इकोनॉमी कितना ग्रो किया और कितना नहीं किया। उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारा गुड इफेक्ट्स की बात करें, तो कुछ इसके थोड़े से बैड इफेक्ट्स भी रहे हैं एक दो, तो वो भी हम देख लेते हैं कि बैड इफेक्ट्स क्या रह गए इसके। अब बैड इफेक्ट्स की जब बात करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट इमरजेंस जो हुआ यहाँ पे पब्लिक मोनोपोलीज जो है वो फॉर्म होने लगी, जो कि बड़ा दिक्कत था। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इमरजेंस ऑफ पब्लिक मोनोपोलीज, यानी पब्लिक मोनोपोलीज मतलब पब्लिक मोनोपोलीज मतलब होता है जब कोई सिंगल पावरफुल आदमी होने लगे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जब पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगे तो पब्लिक मोनोपोलीज बनने लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनएफिशिएंसी और करप्शन वगैरह जो है फिर इंक्रीज़ करने लगा। यहाँ पे हमारा करप्शन को बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि भाई मोनोपोलीज होने लगेंगे, ज़्यादा पब्लिक सेक्टर होगा तो थोड़ा ये दिक्कत यहाँ पे होने लगा। उसके बाद फिर ये करप्शन हो गया, फिर लीकेज हो गया, पिलफरेज हो गया, ये सब जो है इसमें हो गया, और इसमें फिर लॉसेस होने लगे, फिर इनको जो है ह्यूज लॉसेस टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ये सब करप्शन वगैरह जब होने लगा तो इनको लॉसेस होने लगा। दूसरा बात हमारे पास है कि प्रोटेक्शन जो था आपका स्टिमुलेटेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तो बढ़ावा मिला, लेकिन बट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग जो होता है हर जगह अगर डिमांड करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा जो था ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी जो होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनली जो होती है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, नॉट मेंटेन्ड, ठीक है, इसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि केवल हम मेन फोकस इसी पे कर रहे थे। उसी तरीके से कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो डोमेस्टिक एंटरप्रेनर्स थे वो भी फिर मोनोपोली बनाने लगे, और मार्केट जो था मार्केट पूरी का पूरा जो है मोनोपोली मार्केट टाइप का होने लगा। फिर आपका जो है कि हमने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन करके तो फॉरेन एक्सचेंज बचा लिया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ नहीं किया और उसको जनरेट भी किया एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू,
ये एक इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हो गया, ये इनएफिशिएंट टेक्निक रह गया कि हमने ये सोचा था, इनएफिशिएंट पॉलिसी हो गया। हमने क्या सोचा था कि भाई हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट होगा वो कम होके एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ करेंगे। बट ये पॉलिसी बहुत हद तक अच्छी नहीं रही और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था वो कम होने लगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो था वो एंड ऑफ 1990 में बहुत ज़्यादा कम हो गया, कि इतना कम हो गया कि फिर हमको जो है वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ा। इतना कुछ करने के बाद भी अगर लोन लेना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात थी, और हमको अपना फिर इसमें प्रॉब्लम जनरेट हुआ। फिर उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो फिर चीज़ें जो है बदली। तो ये कुछ बैड इफ़ेक्ट्स रहे हैं हमारे स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी उसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स ये रहे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।